Atma, I have so much to ask you. Okay, सबसे पहले that bow. I believe it's very hard actually वो धनुष बाण चलाना. Okay, let's ask you a little bit of the physical training that you had to undergo to become Zafira. बहुत फिजिकल ट्रेनिंग कराई है इन सब ने मुझसे. ओके, दंगल के बाद अगेन आई गॉट इनटू इट, बट बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने आर्चरी पहले कभी की नहीं है, तो मुझे वो सीखने मिली. दंगल वॉज वेरी यू नो ग्राउंडेड स्पॉट और इसमें मुझे बहुत एजाइल होना था, तो काफ़ी मुश्किल था बट बहुत मज़ा आया. Fabulous. Thank you so much. Ladies and gentlemen, please give her a big hand and a warm welcome as one of the tuggies on the stage today. हमारी नजर और हिंदुस्तान की नजर सुरैया आप पर. Let's break this down. I want to tell you that tweet of Bachchan साहब absolutely floored all of us. इन्होंने कहा आपकी शान में कि अगर आप हो तो वो बार बार ये फिल्म देखने आएंगे बड़े पर्दे पर, and that's what it deserves. So congratulations, you look absolutely stunning. और मेरा ट्वीट भूल गए आप. I'm trying. But yes, Katrina, I'd love to know, of course, how is it playing Suraiya aapke liye? Good morning, everybody. It was absolutely fantastic. This is my second film with Victor sir, and he's just such a phenomenal director to work with. Every time I work with him, I'm blown away by his vision, by the spectacle that he tries to create, that he wants to create. And it was very, very gracious of Mr. Bachchan and Amit for the their kind words, let's put it that way. But I really think that just to be a part of this film is a huge honor for me. The kind of entertainment that I know Victor sir and, you know, the whole team wants to bring to the audience, I think he's managed to do that with the film, and I think it will be a very special film to remember always. Absolutely, it will be. Thank you for your response to that question. Ladies and gentlemen, as I said, a piece of my heart, Aamir Khan, how are you doing? Of course, the haircut looks fabulous right now. पिछली बार जब हम मिले थे एक मंच पर, यू हैड दैट ब्यूटीफुल नोज रिंग एंड यू हैड योर हेयर, योर लॉन्ग लॉक्स एंड दैट मुच्छी, एंड फाइनली इट्स ऑफ. सो हाउ डज इट फील टू एक्चुअली यू नो डीफॉरेस्ट एज दे वुड से? वेल, इट्स एक्चुअली इट्स बोथ थिंग्स. समटाइम्स यू नो व्हेन यू कम आउट ऑफ अ कैरेक्टर देन यू मिस इट अ लॉट एज वेल. सो आई मिस माय लॉन्ग हेयर एंड माय वेरियस पियर्सिंग्स एंड समटाइम्स आई आल्सो फील लिटिल रिलीव्ड. यस, इन फैक्ट दैट कैरेक्टर बहुत लंबे लंबे बाल, बहुत ज़्यादा अभी दो साल से बिल्कुल बिल्कुल. मुझे आपसे पूछना है, वो जो पट 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 करके आपने डायलॉग जो हमें सुनाया, दैट वॉज ब्रेथ टेकिंग लिटरली. सो कुड यू डू अ लिटिल बिट ऑफ दैट फॉर अस परहैप्स? वन टू डाइस इट ब्लडी हैड नॉनसेंस क्विक मच बंटर बोल थ्री पर पोटिंग गोटिंग गुड नाइट. Absolutely fabulous. And with that, इन ठगों से आप सवाल जवाब जरूर कीजिएगा. Ask them fun, interesting questions. The floor is now open for questions from my friends of the media. I give you team Thugs of Hindustan. On your right, on your right. This is Simran Singh from Book My Show. On your right, Bachchan sir, यहाँ पे एकदम कौन में यहाँ पे जी. Sir, it's good to have you back on screen. वो भी action अवतार में, बड़े time बाद हम आपको ऐसे एकदम hardcore action अवतार में देख रहे हैं. So please अगर आप action scene के बारे में बताएंगे जो आपने किए हैं और जो आपने stunts किए उसके वजह से शायद आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज हुई थी, तो प्लीज उसके बारे में आप खुद बताइए कि कैसा रहा वो माहौल एंड stunts जो किए वो कैसा था, प्लीज खुद डिस्क्राइब कीजिए. सर, ये हमारी उम्र नहीं है ये सब करने की, लेकिन विक्टर सर ने कहा कि करना है तो कर दिया और अभी तक भुगत रहे हम, क्योंकि शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो कि टूटा ना हो. और अभी भी हम कई अस्पतालों, कई डॉक्टरों से मुलाकात हो चुकी है, कुछ सुधार नहीं हुआ है. क्या कहें इसके बाद? एक तो सर क्या है कि आम कपड़ा अगर पहना देते तो चलिए फिर भी ठीक होता, लेकिन पहना दिया इन्होंने ये आर्मर. गनीमत है कि लोहे का नहीं था. लोहे से छुटकारा मिला था शहनशाह के बाद, हमने कहा चलो बच गए, लेकिन यहाँ फिर इन्होंने पहना दिया. तो फिर उन्होंने कहा नहीं सर, ये लोहा जो है वो कैमरा के लिए अच्छा नहीं है, इसको हम आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं, चमड़े का बना देते हैं. लेकिन जो चमड़ा इन्होंने चुना वो इतना मोटा था, तो उसका वजन कम से कम 30-40 किलोग्राम होगा और भर गया. ऊपर से दो ठो तलवार दे दिया, एक ठो यहाँ पर डैगर दे दिया, पगड़ी दे दी, बाल दे दिए. सर ये तो सबसे मुसीबत वाली बात होती है,
तीन तीन घंटे चार चार घंटे लगते हैं उसको लगाने में. उसके बाद इधर से कूदो उधर से कूदो, यहां मारो वो मारो, ये सब शुरू हो गया. और जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये कि जितना ये एक्शन था ये सब बरसात में हो रहा है, और जब पानी बरसे तो जो चमड़ा था वो सब सोख ले पानी, और 20-30 किलोमीटर और बढ़ जाता था. इतना भार उठा करके इन्होंने हमसे काम करवाया है. बाकी इन्हीं से पूछिए क्यों करवाया ऐसा. देखिए सर, आपके नाम में इतना वजन है कि उसको कॉस्ट्यूम हल्का आपको दे ही नहीं पाए. सर डायलॉग बोलना मेरा काम है. सर डायलॉग मत बोला कीजिए आप.